हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल हेल्थ एजुकेटर में। मैं आपका गाइड डॉक्टर नीरज वंस अगेन आपके साथ एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं ट्राई करता हूँ मेडिकल से या कुछ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ भी कंडीशंस आपके साथ शेयर करूं, जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज और टू इनहेंस योर स्किल्स। तो इसी सिलसिले में आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और आज का टॉपिक हमारा बैरियर कॉन्सेप्ट पे है। ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बैरियर कॉन्सेप्ट। तो जितने भी फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं और जो भी मैनुअल थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनुअल थेरेपी। अगर आपको किसी ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है या मैनिपुलेट करना है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना होता है और बेसिकली आपके ज्वाइंट के मूवमेंट में क्या क्या स्टेजेस होते हैं जिसको क्रॉस करने के बाद आप या तो मोबिलाइजेशन या फिर मैनिपुलेशन इफेक्टिव वे में कर पाते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बेसिक क्या क्या आपके पास स्ट्रक्चर है ज्वाइंट में और क्या क्या बैरियर होते हैं जिसको क्रॉस करके हम अपने ज्वाइंट को मोबिलाइज या मैनिपुलेट इजी वे में कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो आप ट्राई करें फुल वीडियो वॉच करने का, सो दैट आपका एक नया स्किल इंप्रूव होगा और अपने पेशेंट पे आप अच्छे से मैनुअल टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर कॉन्सेप्ट। जब हम किसी ज्वाइंट को मूव करते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल पोजिशन तो क्या क्या मूवमेंट होता है और किस किस टाइप का बैरियर को हमें फेस करना होता है। ओके, सो हम ट्राई करते हैं एक डायग्राम से समझने का। सो दिस इज द नॉर्मल ज्वाइंट स्पेस। सो मेटलन टेक्निक में एक छोटे से ज्वाइंट स्पेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, सो उन्होंने गाइड किया था कि किसी भी ज्वाइंट में एक बिल्कुल स्मॉल फ्यू मिलीमीटर का स्पेस होता है जिसको उन्होंने 1 to 5 ग्रेड में डिवाइड किया था। ओके, सो क्या क्या मूवमेंट परफॉर्म होता है विद इन दैट स्मॉल स्पेस, सो आइए देखते हैं। सो दिस लाइन शोज द न्यूट्रल पोजिशन ऑफ द ज्वाइंट। ओके, सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट ज्वाइंट। अभी आपका रिस्ट ज्वाइंट न्यूट्रल में है, अब इसको स्टार्ट करेंगे बेंडिंग करना, तो पहला मूवमेंट क्या होगा, देन इसको आप एक्टिवली मूव कर रहे हैं, सो दिस इज द अल्टीमेट लिमिट। इसके बाद आपके सॉफ्ट टिश्यू टेंस्ड हो जा रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, सो फर्दर इसमें मोशन नहीं आ रहा है, एक्टिवली नहीं हो पा रहा है, बट बाय द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट या कोई भी अटेंडेंट अगर इसमें फोर्स लगा रहे हैं, यू कैन सी फर्दर इसमें रेंज आपको इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जहां पे आपने पैसिवली फोर्स लगाना शुरू किया था वहां पे एक बैरियर आपको फील होगा, एक टेंशन फील होगा जिसके अगेंस्ट आप प्रेशर अप्लाई करके ज्वाइंट को फर्दर मूव कर रहे हैं। अगेन एक लिमिट आएगा जहां पे इसके बाद फर्दर आप ज्वाइंट को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट बैरियर एंड दिस इज द लास्ट बैरियर। ओके, सो जस्ट सी द डायग्राम। तो यहां पे जो लाइन है दैट इज द न्यूट्रल पोजिशन। इसके बाद आपका जो ज्वाइंट मूव करता है दैट इज नोन एज ज्वाइंट प्ले। ज्वाइंट प्ले को हम लोग एक और नाम जानते हैं, दैट इज द एसेसरी मूवमेंट। इट मीन्स हर ज्वाइंट में जो बोन आपके हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दो थे, तो एक कॉन्केव सर्फेस होगा एक आपका कॉन्वेक्स सर्फेस होगा। सो आइदर कॉन्केव मूव करेगा ओवर द कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स मूव करेगा ओवर द कॉन्केव। सो दोनों सर्फेस एक साथ मूव नहीं करते हैं। सो बेसिकली ज्वाइंट में क्या क्या मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट हो गया आपका आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। एमंग द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स तीन मूवमेंट बेसिकली होते हैं, दैट इज द ग्लाइडिंग रोलिंग एंड द स्पिनिंग। तो यहां पे क्या होता है, कोई एक सरफेस आपका फिक्स होगा, अदर कॉन्केव फिक्स होगा और कॉन्वेक्स इसके ऊपर ग्लाइड करेगा या मूव करेगा, या फिर कॉन्वेक्स आपके फिक्स होंगे और कॉन्केव इसके ऊपर मूव करेगा। ओके, सो टेक द एग्जांपल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। यहां पे आपके कैविटी है जहां पे हेड ऑफ द ह्यूमरस मूव करता है, सो कैविटी का शेप आपका कॉन्केव है और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। सो कॉन्केव फिक्स है और कॉन्वेक्स आपका मूव कर रहा है। ओके, इट मींस कॉन्वेक्स इज मूविंग ओवर द कॉन्केव सर्फेस। ओके, सो इनिशियली आपका ज्वाइंट न्यूट्रल में है, आफ्टर देन आप ज्वाइंट को मूव करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट, दैट इज द ज्वाइंट प्ले और द एसेसिव मूवमेंट। अगर ये नहीं हो रहा है, इट मींस आपका ज्वाइंट कंप्लीट लॉक हो गया है, एंकाडोज हो गया है या फिर वो फिक्स हो गया है या फ्यूज कर चुका है, सो दैट्स व्हाई उसमें 0 to 1 degree का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है।
सो किसी भी ज्वाइंट को मोबिलाइज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए उसमें असिस्टिव मोशन का होना कंपलसरी है. ओके, आपका ज्वाइंट में कोई भी पेशेंट है या नॉर्मल पीपल है अपने ज्वाइंट को मूव करते हैं, ये काफी एक बड़ा रेंज होता है, दैट इज द रेंज ऑफ द एक्सरसाइज. इट मीन्स एक्टिवली कहां तक अपने ज्वाइंट को मूव कर पा रहे हैं. ओके, इसके बाद कैसे जाता है सेकेंड फेज, दैट इज द पैसिव रेंज ऑफ मोशन. सो पैसिवली या तो कोई भी दूसरा पर्सन है या थेरापिस्ट है उस ज्वाइंट को जब प्रेशर अप्लाई करके फर्दर रेंज को गेन कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पैसिव रेंज ऑफ मोशन. ओके, इसके बाद जो पहला बैरियर मिल रहा है आपको, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था रेस्ट ज्वाइंट का, सो दिस इज माय एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. इसके बाद ये मसल्स टाइट हो गए, बैक के मसल्स टाइट हो गए हैं, फ्लेक्सर मसल्स टाइट हो गए हैं, सो ड्यू टू टाइटनेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू मैं इसको फर्दर मूव नहीं कर पा रहा हूं. सो दिस इज माय नॉर्मल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. बट पैसिवली अगर मैं इसको प्रेशर अप्लाई करूंगा, सो फर्दर रेंज यू कैन सी हियर और गेन हो गया. ओके, बट इसके बाद अगेन लिमिट आ गया है बिकॉज सारे बोन आपके कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बोन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं. सो यहां इसके बाद फर्दर रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा. सो जो फर्स्ट बैरियर मिल रहा हमें है आफ्टर डूइंग द पैसिव मूवमेंट, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो बैरियर आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो गया फिजियोलॉजिकल एंड द लास्ट वन इज द एनाटॉमिकल. तो जो फर्स्ट बैरियर आपको रीच हुआ दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन आपने प्रेशर को अप्लाई किया, जो लास्ट में जहां पे बॉडी कॉन्टेक्ट आ रहा है दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल बैरियर. तो इसके बियॉन्ड हम किसी भी ज्वाइंट को मूव नहीं कर सकते हैं. सो ज्वाइंट आपका डिसलोकेट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, बट यहां इसके बाद आप अगेन रेंज को अचीव नहीं कर सकते हैं. ओके, सो अब देखते हैं किस रेंज में कौन सा मूवमेंट हमारा परफॉर्म होता है. तो इनिशियली ज्वाइंट प्ले तो जस्ट असिस्टिव मोशन है, यहां पे हमें कुछ नहीं करना है. और जो भी पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एक्टिवली, वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के रेंज में करते हैं. इट मीन जहां पे आपका नॉर्मल लिमिट खत्म हो रहा है उसके बाद जो एक्सरसाइज का रेंज आ रहा है, और जस्ट पैसिव के पहले जो रेंज मिल रहा है, इस रेंज में पेशेंट एक्टिवली अपना मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. ओके, तो जहां तक टिश्यू का टेंशन नहीं आ रहा है या उसका लास्ट लिमिट आ रहा है, वहां तक पेशेंट एक्टिवली मूव कर पाते हैं. इसके बाद अगर हमें ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है तो हमारे पास रेंज क्या होगा, फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन और जो आपका लास्ट एनाटॉमिकल बैरियर है, यहां तक के पूरे रेंज में हम ज्वाइंट को पैसिवली मोबिलाइज कर सकते हैं. ओके, अब दो आपके पास जो बैरियर है, दैट इज द फर्स्ट हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड लास्ट वन इज द एनाटॉमिकल, इनके बीच जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज पारा फिजियोलॉजिकल स्पेस. ओके, सो जितने भी मैनिपुलेशन का टेक्निक हम अप्लाई करते हैं वो स्पेशली आपको इसी रेंज में होता है, इसी स्पेस में. इट मीन बिटवीन टू बैरियर जो आपका ज्वाइंट स्पेस होगा वहीं पर हम मैनिपुलेशन का टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, इसके पहले इसको करना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो जब आपका ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन फर्दर जहां पे कंक्लूड कर रहा है, लास्ट हो रहा है, और जो आपका एरोनॉमिकल बैरियर मिल रहा है, इसी रेंज में ऑलवेज आप मैनिपुलेट करते हैं. बिकॉज जब भी मैनिपुलेशन करना है हमें देखना होता है ज्वाइंट आपका लॉक पोजीशन में है कि नहीं, आपने बैरियर को अचीव किया कि नहीं, उसके बाद ही हम थ्रस्ट को अप्लाई करके ज्वाइंट को मैनिपुलेट करते हैं. ओके, उसके पहले आपका लूज पैक पोजीशन होगा तो वहां पे आप ज्वाइंट को इजिली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें इस बैरियर को अचीव करना होता है. ओके, सो आइए वन बाय वन देखते हैं इसको हम लोग हैं. सो फर्स्ट वन इज द ज्वाइंट प्ले, दैट इज द असेसिव मूवमेंट जहां पे बोन एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं. सेकेंड, इसके बाद जो मूवमेंट होता है दैट इज द एक्टिव मूवमेंट. सो एक्टिवली पेशेंट जितना मूव कर पा रहे हैं जितने रेंज तक. नेक्स्ट आता आपको पैसिव मूवमेंट, जब पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद जो थेरापिस्ट जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो फर्दर रेंज मिलेगा उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे पैसिव मूवमेंट. इसके बाद जो आपको पहला बैरियर मिल रहा है ड्यू टू द टाइटनेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर. ओके, देन आपने प्रेशर को यहां पे लगाया, जो फाइनली जो बैरियर मिल रहा है ड्यू टू द बॉडी कॉन्टैक्ट दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल बैरियर. देन कम टू द पारा फिजियोलॉजिकल स्पेस, ये क्या होगा, दिस इज द स्पेस बिटवीन द टू बैरियर्स. इट मीन्स द स्पेस बिटवीन द फिजियोलॉजिकल एंड द एनाटॉमिकल बैरियर. तो जितने भी एक्सरसाइज पेशेंट परफॉर्म करेंगे वो उनका रेंज होगा ज्वाइंट प्ले में, या फिर जो आपका एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है इसी के रेंज में पेशेंट अपने एक्सरसाइज को एक्टिवली परफॉर्म करते हैं. इसके बाद जो मोबिलाइजेशन का टेक्निक होगा ऑलवेज डन इन द रेंज ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन या फिर पारा फिजियोलॉजिकल स्पेस.
इन दोनों के बीच में कहीं भी हम ज्वाइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो एज पर द ग्लाइडिंग टेक्निक ऑफ द मेडलिन 1-4 जो आपको टेक्निक दिया गया है, सपोज 1 आपका होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड में, सेकेंड थर्ड आपको होता है लार्ज एम्पलीट्यूड में, एंड अगेन ग्रेड 4 जो होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड में होता है, एंड ग्रेड 5 इज द मैनिपुलेशन. ओके, सो व्हाट इज द मैनिपुलेशन? इट इज डन ऑलवेज इन द पैरा फिजियोलॉजिकल स्पेस. जो आपको मैंने बताया अभी, जो लास्ट स्पेस होगा ऑलवेज यहां पे हम मैनिपुलेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं. इसके पहले करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, आपके ज्वाइंट मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे. ओके, सो आई थिंक ये टेक्निक काफी इफेक्टिव होगा आप सभी के लिए, और जिनको भी मैनुअल थेरेपी में एक्सपर्ट होना है उनको ये नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज द बैरियर कॉन्सेप्ट, और हमें किस फेज में या किस स्टेज में किस मूवमेंट को परफॉर्म करना चाहिए. ओके, सो गाइस आई थिंक ये टेक्निक आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा. इसको प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि आप कितने इफेक्टिव वे में ज्वाइंट को मोबिलाइज या मैनिपुलेट कर पा रहे हैं. सो गाइस जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ओवर योर पेशेंट और एनी मॉडल, सो दैट आपके जो हैंड होंगे वो काफी स्किलफुल हो जाएंगे और बड़े इफेक्टिव वे में अपने टेक्निक को आप अप्लाई कर पाएंगे. ओके, जस्ट डू इट. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोबिलाइजेशंस एंड द मैनिपुलेशन, और इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं. ओके गाइज, सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंसली एंड केयरफुली. Thank you. Thanks a lot.